हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कॉन्सेप्ट एम्पलीफाई। अब हम लोग देखेंगे कुषाण डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी के बारे में। इसके पहले हमने सातवाहन डायनेस्टीज के बारे में देख लिया, अब हम इसके बारे में देखते हैं। ये एक्चुअली थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने रूल किया था, तो इनके ज़्यादा एविडेंसेस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो भी मिलते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि कुषाण डायनेस्टी है, इन्होंने छत्तीसगढ़ पर डोमिनेंस था इनका, द डोमिनेंस वॉज इन छत्तीसगढ़ बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एकदम ही शॉर्ट पीरियड के लिए, ज्यादा समय के लिए छत्तीसगढ़ में इन्होंने रूल नहीं किया, लेकिन कुछ समय के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए कुषाण डायनेस्टी ने छत्तीसगढ़ पर रूल किया था। एक्चुअली इनके एविडेंसेस जो मिले हैं वो कॉइन्स एविडेंस मिले हैं, जैसे कॉपर कॉइन्स मिले हैं इनके बिलासपुर से, और इनके गोल्ड कॉइन्स मिले हैं तेलीकोट रायगढ़ एंड कोरबा से। और ये दोनों जो कॉइन्स हैं ये कुषाण किंग कनिष्क के कॉइन्स थे, उस समय जो इन्होंने कॉइन्स सर्कुलेट किए होंगे वही कॉइन्स हमें मिले हैं कुषाण डायनेस्टी के। तो कुषाण डायनेस्टी में सिर्फ इतना है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए डोमिनेंस था। इनके जो कॉइन्स के एविडेंस है वो बिलासपुर से कॉपर कॉइन्स के एविडेंस मिले हैं, साथ ही साथ तेलीकोटा रायगढ़ एंड कोरबा से इनके गोल्ड कॉइन के एविडेंस मिले हैं कुषाण किंग कनिष्क के, बस इतना ही। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कुषाण डायनेस्टी में। अब हम लोग मिंग डायनेस्टी की बात करें तो मिंग डायनेस्टी के ऐसे कुछ एविडेंसेस छत्तीसगढ़ से नहीं मिले, लेकिन ये ऐसा पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग फ्रॉम पुरानास की बिफोर द राइज ऑफ गुप्ता, बिफोर द राइज ऑफ गुप्ता जो मिंग डायनेस्टी है वो छत्तीसगढ़ में ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी सी वो छत्तीसगढ़ में रूल कर रहे थे। दिस डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी सी बिफोर द राइज ऑफ गुप्ता। और छत्तीसगढ़ से एक्चुअली इनके कुछ यानी कि इनके दो रूलर्स जैसे कि शिव मेघ और यह मेघ, इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये मिंग डायनेस्टी के रूलर्स थे ऐसा कहा जाता है, और इनकी इन्फॉर्मेशन हमें छत्तीसगढ़ से मिली है कि ये दो नाम के जो रूलर्स थे मिंग डायनेस्टी के, ये इनकी इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ से मिलती है बस। और इसी के थर्ड जनरेशन में, इन द थर्ड जनरेशन ऑफ दिस डायनेस्टी देयर वाज अ रूलर नोन खारवेल, जो खारवेल है कलिंग राजा जो खारवेल था, जिसके नाम से बहुत फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। एक्चुअली वो ऐसा माना जाता है कि वो भी मिंग डायनेस्टी से थे, वो मिंग डायनेस्टी के ही थे। बाद में मिंग डायनेस्टी को कहा जाता है कि वो खारवेल के हिसाब से हो गया, बट ये एक्चुअली मिंग डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो थर्ड जनरेशन आई, तीसरी जो पीढ़ी थी, इसकी तीसरी पीढ़ी के राजा कौन थे, खारवेल। तो ये मिंग डायनेस्टी थी और ये कुषाण डायनेस्टी, ये दोनों एक साथ खत्म हो चुके हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किए, तो छत्तीसगढ़ में इसके कुछ एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाकाटक वंश और गुप्त वंश देखेंगे। जब हमारा वाकाटक वंश और गुप्त वंश खत्म हो जाएगा, एक्चुअली उसके बाद हमारा एक मेंस का जो पूरा टॉपिक है, आप अगर सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम वेदास टू गुप्तास एज, ये पूरा टॉपिक है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इतने वीडियोस में, ये आपको पूरा वो खत्म कर देता है आफ्टर स्टोन एज। स्टोन एज के बाद से जो भी हमने वैदिक एज से पढ़ा है, वैदिक महाभारत रामायण और ये जो बाकी जो कुषाण वंश और मेघ वंश एंड अदर डायनेस्टी जो हमने पढ़ी हैं, वो सब पूरा मिला करके एक टॉपिक बनता है मेंस का, और हमने उतना पूरा कर लिया। तो मतलब एक टॉपिक जो है मेंस का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो रीजनल डायनेस्टीज के ऊपर आएगा, तो हम लोगों को रीजनल डायनेस्टीज खत्म करने के बाद फिर स्लोली ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा है बिकॉज ज़्यादा कोई उसमें जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर अब जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको वाकाटक एंड गुप्ता के बारे में पूरी पूरी जानकारी देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए, एंड थैंक यू सो मच। बाकी बताते रहिएगा, कोई भी क्वेरीज होगी, कुछ डाउट्स होगा तो डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। Thank you so much.